नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके चैनल गणित एन जीएस में। अच्छा, 6 की गणित लगा रहे हैं दोस्तों। एनसीईआरटी किताब का प्रश्नावली संख्या 13.2। पहले प्रश्न का दोस्तों ये डी है, ये ई है और ये एफ है ना। ए बी सी हम लोग कर चुके हैं। कह रहा है नीचे दी गई आकृतियों में प्रत्येक की सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी सममित रेखाएं हैं दोस्तों, ये हमसे पूछ रहा है। कितनी सममित रेखाएं हैं? सममित रेखाएं क्या होती हैं? वे रेखाएं जो बराबर भागों में विभाजित करती हैं दोस्तों किसी आकृति को। ये देखिए दोस्तों, ये इस कोने पे मैं एक बिंदु बना रहा हूँ, रियल लाइन। क्या ये दोस्तों बराबर भागों में बांट रही है इस आकृति को? नहीं, क्योंकि यहाँ पे अंदर भी कुछ बना हुआ है तो ये बराबर भागों में नहीं बांट रही। अगर अंदर ये चीजें नहीं बनी रहती, ये जो एक एक आकृति जोकर जैसी बनी हुई है, तो हम लोग ऐसा नहीं बना सकते दोस्तों। ये बराबर भागों में नहीं काट रहा। बराबर भागों में कौन सा काटेगा? ये ऊपर से नीचे दोस्तों। ये दोस्तों, ये इनका मिड पॉइंट और इनका मिड पॉइंट। यहां से जो लाइन जाएगी दोस्तों वो बराबर भागों में बांटेगी। आइए मैं लाइन बना के दिखाता हूँ आपको। ये जो लाइन, ये बराबर भागों में बांट रही है। और कोई भी लाइन नहीं है जो इस आकृति को बराबर भागों में बांटे दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। ये है दोस्तों हमारे पास, ये है 6 भुजाओं वाली आकृति। इसको कहा जाता है षटभुज। षटभुज, षटभुज यानी 6 भुजाओं वाली आकृति। और यहाँ पे 6 भुजाएं बराबर है हमारी। ये दोस्तों काफी आसान हो जाएगा हमारे लिए बनाना। कोने पे दोस्तों मिलाते जाओ आप लाइन। ये देखिए बराबर भागों में बांट दी लाइन। यहां से भी कर सकते हैं आप। ये देखिए बराबर भागों में बांट गया है दोस्तों। ये भी कर सकते हैं। है ना दोस्तों, और क्या कर सकते हैं? और जो ये जो मिड पॉइंट है दोस्तों, ये भी बराबर भागों में बांटेंगे। ये दोस्तों, ये दोनों पॉइंट के बीच में जो मिड पॉइंट बन रहे हैं, यहां से भी जो हम लाइन ले जाएंगे वो भी बराबर भागों में बांटेंगे। दिखाता हूं दोस्तों मैं आपको। ये देखिए आप, ये देखिए दोस्तों, यहां पे बहुत सारी लाइनें बन रही हैं जो सममित रेखाएं हैं। बहुत सारी रेखाएं सममित रेखाएं हैं दोस्तों। कितनी है कुल? कुल कितनी रेखाएं हैं दोस्तों? 6। 6 रेखाएं हैं जो सममित रेखा है यहाँ पर। आइए देखते हैं हम इस वाली आकृति को अपने। इसको बराबर भागों में बांटना है हमें, अंदर वाली आकृति को। तो दोस्तों हम किसको किसको मिला रहे हैं? एक तो हम ये मिला ले रहे हैं। ये देखिए बराबर भागों में बंट गए हैं दोनों हिस्से, एक बायां हिस्सा और एक दायां हिस्सा। इन दोनों को मिलाते हैं। अभी भी बराबर है दोस्तों, सममित रेखा है। अच्छा, इन दोनों को मिलाते हैं तो ये देखिए अभी भी बराबर है, सभी सममित रेखाएं बन रही है दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों कितनी सममित रेखा है इसमें, अभी हम गिनेंगे। ये देखिए दोस्तों बराबर भागों में बांट रही है ना रेखाएं। ये क्या कोई रेखा बच गई है? मेरे ख्याल से सभी रेखाएं हो गई। आइए दोस्तों गिनते हैं रेखाएं, रेखाएं गिन लेते हैं दोस्तों।
ये है इसमें इस आकृति को बस एक ही रेखा विभाजित कर रही है, हम उसको लाल रंग से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, इसमें कई सारी हैं दोस्तों, इसमें कई सारी हैं। ये देखिए, चलिए इसको लाल में दिखाता हूँ, इसको दिखाता हूँ मैं हरा, इसको दिखाता हूँ मैं नीला, इसको दिखाता हूँ मैं ये वाला कलर गुलाबी, पिंक, इसको दिखाता हूँ दोस्तों मैं, बहुत सारी रेखाएं बन गई। इसको दिखा देता हूँ मैं बैंगनी, और एक काला है। कितनी बन गई दोस्तों? छह रेखाएं। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, लाल, हरा, नीला तीन, ये पिंक चार, बैंगनी पांच, और ये काला छह, फिर से लाल आ गया। तो छह रेखाएं हैं दोस्तों सममित, जो इस षटभुज को, छह भुजाओं वाली आकृति को बराबर भागों में बांटती है। यहाँ पे देख लेते हैं कितने हैं दोस्तों। लाल, हरा, नीला, गुलाबी, बैंगनी। यहां भी दोस्तों छह ही रेखाएं हैं, यहां भी छह ही रेखाएं हैं दोस्तों, दोस्तों यहां भी छह ही रेखाएं हैं, तो यहां भी छह ही रेखाएं हैं। अरे दोस्तों, मैं एक बार और फिर से गिन देता हूँ कितनी सममित रेखाएं बनी हैं। देखिए दोस्तों, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें तो बस एक ही रेखा है ना, जो इन दो हिस्सों में बांट रही है। इसमें कितनी है दोस्तों? एक, हरा वाला दूसरा, नीला तीसरा, गुलाबी चौथा, बैंगनी पांचवा, काला छठा, और फिर से ये आ गया, फिर से ये पहला ही आ गया लाल, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा ही आ गया, ये चौथा ही आ गया, ये पांचवा ही आ गया, और ये छठा ही आ गया दोस्तों। ठीक है, ऐसी प्रकार यहाँ पे एक, दो, नीला तीसरा, गुलाबी चौथा, बैंगनी पांचवा, काला छठा, फिर से वही दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो यहाँ पे दोस्तों एक एक रेखा है सममित रेखा, और यहाँ छह, इन दोनों में छह छह सममित रेखाएं हैं दोस्तों, छह सममित रेखाएं किसमें? इस वाली आकृति में और इस वाली आकृति में, और इसमें केवल एक। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं मजा आया होगा।